हे गाइज, आई अरविंद एंड आई एम अ सर्टिफाइड फिटनेस एंड पर्सनल ट्रेनर। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाएं, जिससे हम जिम में जाके हैवी वेट लिफ्ट करें और इजीली मसल बिल्ड कर पाए। जितनी ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ होगी, उतना ही ज़्यादा हम वेट लिफ्ट करेंगे एंड इससे हमारी मसल का साइज भी बढ़ेगा। तो गाइज़, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी आने वाली सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले। एंड गाइज, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। जिम में जाए और हैवी वेट लिफ्ट करें। हर सेट में आप उतना ही वेट लिफ्ट करें जिसमें आप जो प्रॉपर रैप रेंज है वो निकाल पाओ। जैसे कि स्ट्रेंथ के लिए जो रैप रेंज रहती है वो रहती है 1 to 5। सेट्स यहाँ पे किए जाते हैं 5। फर्स्ट सेट में जो रैप रेंज रहेगी वो रहेगी 5। सेकेंड सेट में जो रैप रेंज रहेगी वो रहेगी 4। थर्ड सेट में रैप रेंज होगी 3। फोर्थ सेट में रैप रेंज होगी 2। फिफ्थ एंड लास्ट सेट में रैप रेंज रहेगी 1। हर सेट में आपको उतना ही वेट बढ़ाना है जिसमें आप वो रैप रेंज कंप्लीट कर लो और उस रैप रेंज से बिल्कुल भी ऊपर ना जाए। यानी जैसे जैसे आपके सेट एक एक ख़त्म होते जाएंगे, वैसे वैसे आपका वेट भी बढ़ता जाएगा और रैप्स कम होते जाएंगे। इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपकी मसल्स का साइज भी बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, जितना भी आप वेट लिफ्ट कर रहे हो, उसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वेट आपने इस हफ्ते उठाया है वही आप अगले हफ्ते उठा रहे हो। रैप रेंज और सेट आपके सेम रहेंगे, लेकिन हर हफ्ते जैसे जैसे आप आगे मूव करते जाओगे वैसे वैसे आपको वेट भी बढ़ाते जाना है। मान लीजिए यदि आपने पहले हफ्ते में 100 kg से स्टार्ट किया था, तो इस हफ्ते आप 110 kg से स्टार्ट कीजिए। इसी तरीके से जो आपका वेट उठाने की पावर है वो दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज का एक सेट कंप्लीट कर लेते हो जिसमें आपने हैवी वेट लिफ्ट किया है, तो उसके बाद कम से कम 1 से 2 मिनट का रेस्ट टाइम रखें ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके। एंड नेक्स्ट सेट, जो अगला सेट आप करने वाले हो जिसमें और हैवी वेट आप लिफ्ट करोगे, वो आप इजीली कर सको। यदि आप रेस्ट टाइम कम रखते हो तो नेक्स्ट सेट जो आप करोगे उसमें आपकी स्ट्रेंथ की कमी रहेगी और आप उस सेट को नहीं कर पाओगे। हैवी वेट हम जब भी लिफ्ट करते हैं तो वहाँ पर रेस्ट टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। वर्कआउट में बारबल यानी रॉड किंग होती है एंड डंबल क्वीन। स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बारबल एक्सरसाइजेस को आप करें। बारबल में आप एज कंपेयर टू डंबल ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। 2 कंपाउंड एक्सरसाइजेस को ज़रूर ऐड करें आप अपने वर्कआउट में। कंपाउंड एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस होती है जो एक ही समय पर आपके बहुत सारे मसल्स को ट्रेन करती है। फॉर एग्जाम्पल लंजेस। लंजेस एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। ये प्राइमरी तो टारगेट करती है आपके क्वाड्स को, लेकिन ये सेकेंडरी टारगेट करती है आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और काफ मसल को। इसीलिए आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसमें कम से कम 2 कंपाउंड एक्सरसाइजेस ज़रूर रखें। मैंने ये पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है बेस्ट कंपाउंड एक्सरसाइजेस की। आप हर हफ्ते जिस भी मसल का वर्कआउट कर रहे हैं इसमें से 2 एक्सरसाइजेस को चुनें और अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करें। ओवर ट्रेनिंग ना करें। कुछ लोगों का ये मानना होता है यदि हम 2 टाइम वर्कआउट करेंगे या फिर एक ही बार में बहुत सारी एक्सरसाइजेस करेंगे, मान लीजिए यदि आप लेग का वर्कआउट कर रहे हो या फिर बैक का वर्कआउट कर रहे हो, उसमें आप 8 से 10 एक्सरसाइजेस कर रहे हो एक ही बार में, तो ये सभी चीज़ें आती है ओवर ट्रेनिंग में। एंड लोगों का ये मानना होता है यदि हम ओवर ट्रेनिंग करेंगे यानी हम ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे तो हमारी मसल ग्रो करेगी, पर गाइज ऐसा होता नहीं है। आप सिर्फ 6 एक्सरसाइजेस ही करें वो ही आपके लिए इनफ है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, आपकी मसल्स का साइज बढ़ाने के लिए। आप मैक्सिमम 7 एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग के हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट ही है, इसके कोई फायदे नहीं है। जैसे कि रात को नींद ना आना, थकावट फील होना, फीवर होना, जॉइंट्स में पेन होना एंड नेक्स्ट डे जब आप वर्कआउट करने जा रहे हो तो आप में स्ट्रेंथ की कमी होना। ओवर ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ बढ़ती नहीं है, बल्कि जो आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई होती है वो भी दिन पे दिन कम होती चली जाती है एंड आपका वर्कआउट में भी मन बिल्कुल नहीं लगता है। आप पूरे दिन में 7 से 8 मील खाओगे जिसमें 3 बड़ी मील होगी और 5 छोटी मील होगी। 3 बड़ी मील्स होगी जो हमारी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इसमें आप कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट तीनों को रखोगे। एंड जो 5 छोटी मील्स है उनमें जूसेस एंड स्मूदी जैसे कि बनाना शेक, मैंगो शेक, एप्पल शेक आप इनको पियोगे। गाइस, यदि आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, स्टेमिना बढ़ाना चाहते हैं, तो देखिए सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ और स्टेमिना बनाने के लिए हमें खाना भी अच्छा पड़ेगा और साथ ही साथ उसके वर्कआउट भी करना पड़ेगा। जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हमें रिकवरी की ज़रूरत होती है, इसलिए कम से कम 8 से 9 घंटे ज़रूर सोए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो पाए
एंड नेक्स्ट डे जब आप अगेन वर्कआउट के लिए जा रहे हो तो आप फ्रेश फील करो एंड आप अच्छे से वहाँ पे एक्सरसाइजेस कर सको। तो इसीलिए आप पर डे 8 से 9 घंटे की अच्छी स्लीप ज़रूर ले। सो गाइज, ये थे मेरे सभी टिप्स जिन्हें यदि आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपकी मसल्स का साइज़ भी बढ़ेगा क्योंकि आप हैवी वेट लिफ्ट करना सीख जाओगे। गाइज, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट पर। यदि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट्स के जरिए वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।